हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के प्रश्नों को हल करेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे। सोल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन बेस्ड ऑन। जो एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशन जो है उसको हम किस आधार पर डिवाइड करेंगे, तो ये होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। द सॉल्वेंट यूज टू प्रिपेयर एक्वस सोल्यूशन, कौन सा सॉल्वेंट जो है एक्वस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो है वाटर। द ट्रू सोल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज ऑफ, क्यों नहीं करता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स के कारण। एक निर्धारित पार्टिकल साइज होता है उसी पर टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित होता है। टिंडल इफेक्ट इज एक्जिबिटेड बाई, किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ट्रू सोल्यूशन या कोलाइडल सोल्यूशन, इसमें कोलाइडल सोल्यूशन होगा, ट्रू सोल्यूशन नहीं करता है। सो टिंडल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रू सोल्यूशन ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट या रिफ्रेक्टिंग, स्केटरिंग ऑफ लाइट होगा इसमें, लाइट का प्रकीर्णन जो होता है। पार्टिकल साइज इन कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। उसके बाद पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का मोर देन 2000 एंगस्ट्रॉम्स। सोल्यूशन विच हैज मोर ऑफ सल्यूट एट गिवन टेम्परेचर देन दैट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगला प्रश्न है, चाक पाउडर इज वाटर इन एग्जाम्पल ऑफ, चाक पाउडर जब वाटर में घोलते हैं तो क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है। उसके बाद है द पार्टिकल साइज ऑफ सल्यूट इन ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है हमारा, 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम। मिल्क क्या होता है, मिल्क क्या है, मिल्क जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। नाइट्रोजन इन सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ, नाइट्रोजन सॉइल में क्या होती है, सैचुरेटेड बी। फॉग इज अ मिक्सचर ऑफ, ये फॉग इज अ सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है फॉग, फॉग इज अ सोल्यूशन ऑफ किसका, लिक्विड इन गैस, लिक्विड का गैस में सोल्यूशन है ये, विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। उसके बाद सोडा वाटर जो होता है, कोको कोला ठंडा होता है वो, उसका क्या है, ये होता गैस इन लिक्विड बी। ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लड का एक एग्जाम्पल है कोलाइडल सोल्यूशन का। द डिस्पर्स फेज इन कोलाइडल सोल्यूशन क्या होती है, डिस्पर्स फेज ये होती है हमारी सॉल्यूट। शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन क्या होता है, शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन होता है ट्रू सोल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड सोल्यूशन, किसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। इन एक्वस सोल्यूशन द सॉल्वेंट यूज्ड इन, एक्वस सोल्यूशन में वाटर जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है, वाटर, वाटर डी विकल्प से हो जाएगा। द सोल्यूशन विच सैचुरेशन इज नॉट अचीव्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड, जिसमें सैचुरेशन अचीव नहीं हो पाया वो अनसैचुरेटेड हो गया। चीज इन कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ, चीज इज ए कोलाइडल सोल्यूशन, काय का कोलाइडल सोल्यूशन है ये, लिक्विड इन गैस। कॉर्क इज ए कोलाइड ऑफ, किसका कोलाइड है, कॉर्क गैस इन सॉलिड, गैस का सॉलिड में। स्मोक इज ए कोलाइड ऑफ, धुआं जो होता है वो सॉलिड इन सॉलिड या सॉलिड इन गैस, सॉरी सॉलिड इन गैस होगा, सॉलिड इन गैस डी हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। द सैचुरेशन टेम्परेचर फॉर 2.7 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्युबल इन वाटर इज, टेम्परेचर कितना होगा ये, सी 20 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबिलिटी लेवल ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड एट 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 36 ग्राम। द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हैलाइड्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, इसका देखना है
जो हैलोजन सोडियम और हैलोजन से मिलकर के जो सोडियम हैलाइड बनते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी का क्रम पूछ रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा सोडियम ब्रोमाइड, फिर सोडियम आयोडाइड, फिर सोडियम क्लोराइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर इज, अगर वाटर में हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना बोलते हैं तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है, तो एक्सोथर्मिक होगा ये। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ इन गैसेस एन इंक्रीज इन प्रेजेंस प्रेशर, प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी इंक्रीज होगी। डीप सी डाइवर्स आर यूज मिक्सचर ऑफ, जो गहरे में गोताखोर होते हैं समुद्र की गहराई में जो गोता लगाते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज करते हैं। द कंटिन्यूस रैंडम मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन गति उसे कहते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट, क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, चेंज होगी, या अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। विच लॉ रिलेट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट विद प्रेशर, विच लॉ रिलेट्स सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेशर, क्या है, हेनरीस ला, ये बी इसका विकल्प हो जाएगा, हेनरीस ला। व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू योर विंडो ऑफ योर हाउस द डस्ट पार्टिकल स्केटर द लाइट मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट, लाइट में धूल के कण दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द ग्रीक टर्म एटमोस मीन्स, एटमोस मीन्स क्या होता है, इंडिविजिबल, इनडिवाइजिबल, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, परमाणु संख्या सेम होती है, बट उनका डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम हो ही गया, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केमिकल नेचर, तो मास नंबर जो होता है उनका या एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। 6C12 एंड 6C14 आर क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं, ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पजेजिंग इन द सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं, आइसोमर्स, जो होते हैं सेम एटॉमिक मास जिनका होता है, एटॉमिक सॉरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोजिशिंग इन सेम एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान समान है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। उसके बाद है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के सेम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेम न्यूट्रॉन, उनको क्या कहते हैं हम, आइसोटॉन्स। एटॉमिक सिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोन इन ओजोन मॉलिक्यूल इज, ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है, ओजोन मॉलिक्यूल में एटोमिसिटी वैसे तो 2 होता है ऑक्सीजन का, लेकिन ओजोन में इसकी क्या हो जाती है, 3। एटोमिसिटी ऑफ प्राइमरी गैसेस इज, प्राइमरी गैसेस जो होती हैं उनकी एटोमिसिटी क्या होती है, 2। इन द बिगनिंग ऑफ 20th century मैटर वेव कंसेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस, मैटर वेव कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया हमारा ब्रोगली द्वारा। द प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रोगली, एवोगाड्रो, हेंसबर्ग या आइंस्टीन, तो ये हेसनबर्ग ने दिया था। उसके बाद 18 AR40 एंड 20 CA40 आर द कंसीडर्ड एज आइसोटॉप्स, नहीं है आइसोमर्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स कहेंगे इनके लिए, आइसोटॉप्स कैसे हो जाएगा, समस्थानिक, आइसोटॉप्स नहीं है इसका विकल्प, ये गलत है, इसको हम कहेंगे आइसोबार। द कंपाउंड द
द कंपाउंड विच डज नॉट सो सिंपल रेशियो ऑफ एटम इज, क्या है ये? सुक्रोज। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो की जो परिकल्पना, रिलेट्स वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डी हो जाएगा। एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ए बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास या नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, जी सी वाला सही हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उसी को एटोमिसिटी कहते हैं। एटोमिसिटी इज ए गिवन बाई, कैसे निकालेंगे एटोमिसिटी? इसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास बटे, इसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। मॉलिक्यूलर मास जो होगा उससे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे जो उसका। उसके बाद द एटम्स ऑफ C6H6N7N14 आर कंसीडर्ड एज, क्या है ये? इनको हम कहेंगे आइसोटोन्स, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, 6, 7, 13, 7, 7, 14 दोनों में न्यूट्रॉन 7, 7 हैं। आइसोटोन्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की जो एटोमिसिटी होती है परमाणविकता वो 4 होती है। तो ये थे हमारे 50